नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी रायपुर में गोल बाजार जो है वो नए रूप में एक धारण करने वाला है, नया उसका साथ सज्जा जो है वो बढ़ने वाला है, उसमें नए ग्राफ बनाए जा रहे हैं। और उसको लेकर जो गोल बाजार के जो व्यापारी संघ हैं और पूरे रायपुर के जो व्यापारी संघ हैं, सभी इस बात पर कई बार से पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसा उसका ग्राफ होगा, एंट्रेंस कैसा होगा, आसपास के व्यापारियों को क्या फ़ायदा होगा। तो आइए हम जानेंगे व्यापारियों से कि किस प्रकार से आपको लाभ होगा और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि पूरा गोल बाज़ार व्यवस्थित हो और बहुत अच्छे ढंग से हो। आज का जो प्रोजेक्ट हमने देखे हैं वो सबको पसंद आया, हमारे गोल बाज़ार वालों को। लेकिन कुछ असमंजन चीज़ें हैं, वो ये है कि बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर, उनका डेवलप कैसे करेंगे। हालाँकि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये भी हम डेवलप करेंगे और किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे और किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। अभी उन्होंने हमारे को 10-12 दिन का टाइम दिया है, जिसमें ये मीटिंग करके हमारे जो प्रपोज़ल हैं वो देने के लिए हमको कहा गया है। हम 10-12 दिन में मीटिंग करके और हम अपना प्रपोज़ल देंगे और जो जो हमारी मांगे हैं उनके सामने रखेंगे। अगर किसी चीज़ की हमारे को तकलीफ़ होगी हम उनके सामने रखेंगे और हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को माने और एक गोल बाज़ार व्यवस्थित ढंग से बने, हम ये भी चाहते हैं। और जो रजिस्ट्री का इन्होंने कहा है कि हम रजिस्ट्री करना चाहते हैं, हम रजिस्ट्री के लिए सब तैयार हैं, लेकिन कुछ फैक्टर है जैसे दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल का। हम चाहते हैं कि वो जो पैसा है वो ना लेके खाली भूतल का पैसा लेवें, हमारी ये मांग है। फिर भी जैसे अभी मीटिंग होने वाली है और 10-12 दिन में हम सोच के अपने जो भी प्रॉब्लम है हम बताएंगे और आगे की जो व्यवस्था होगी वैसा हम मेयर साहब से और अपने अमर पारवानी साहब से बात करके उसके बाद जो भी डिक्लेयर होगा वो करेंगे और जैसी व्यवस्था आगे बनेगी वैसा हम करेंगे। जैसे गोल बाज़ार का प्रारूप दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, व्यापार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन कुछ एक व्यापारी जो सामर्थ्य नहीं है बहुत सारी चीज़ों से, पैसे से, जो आज 2-4-5 हज़ार रुपये का माल सुबह लाकर शाम के उसको मैं 500-1000 रुपये अपनी रोजी निकाल के जाता है, वो व्यापारी इतनी महंगी दुकान कैसे खरीद सकेगा। हमने महासंघ के माध्यम से और गोल बाज़ार के सभी व्यापारियों के माध्यम से ये बात रखी है कि जो डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने 12% जोड़ा है उसको कम किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्लोर वाइज ये पैसे ले रहे हैं, ठीक है, गरीब आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी 2-2-3-3 पीढ़ी के बाद में एक एक मंजिल तान करके बनाया है अपनी दुकान को, अपने व्यवसाय को, अपने घर चलाने के लिए, तो उस चीज़ पर ध्यान देते हुए सरकार को, शासन को ये सोचना चाहिए कि उस चीज़ को रेट को कम किया जाए। क्योंकि ज़मीन हम खरीद रहे हैं तो ज़मीन का फ्लोर का पैसा तो हम दे ही रहे हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन व्यापारी अपने पैसे से बनाया है, ना कि सरकार ने, ना कि नगर निगम ने बनाया है, तो उसका पैसा ना लेते हुए व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के हित में सरकार को सोचे तो ये प्रपोज़ल, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। और इस प्रपोज़ल पर गोल बाज़ार के सारे व्यापारी शहर तैयार हो जाएंगे, हमारी मांगों के कुछ मांगों को लेकर के अगर वो तैयार होते हैं तो हम सब व्यापारी उनके साथ हैं। मालिकाना हक का है और महापौर जी का जो प्रोजेक्ट है मैं उसका पूर्ण रूप से पूरे व्यापारी लोग की तरफ से मैं समर्थन करता हूँ। हम लोग मालिकाना हक लेना चाहते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पैतृक धरोहर संभाल रहे हैं। जिस तरह गोल बाज़ार की एक धरोहर को आप बचाने की तरह सोच रहे हैं, उसी तरह जैसे आप रवि भवन के गेट को संभाला है आपने धरोहर के रूप में, जवाहर बाज़ार के गेट को धरोहर को संभाला है, उसी तरह हम लोग पुराने से पुराने व्यापारी है जो 120 साल के व्यापारी हैं, इस ज़मीन को हम लोग सजाए हैं, संवारे हैं और उसका फल हम लोग को मिलना चाहिए। हम इसीलिए अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को जो विशेष जिस तरह नया गाइडलाइन बनी है उस तरह उसमें हमको विशेष कम से कम पैसा की लागत लगना चाहिए। अब गोल बाज़ार का ग्राफ तो सभी लोग ने देख लिया, गोल बाज़ार हमारा यहाँ का सबसे सुंदर बाज़ार बनने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से वो एक इतिहासकारी बाज़ार है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक धरोहर है हमारा, तो उस धरोहर को बचाना भी है, धरोहर को सुंदर भी करना है, काम करना वहाँ बहुत चैलेंज है, मगर उस चैलेंज को हमने हाथ में लिया है और स्वाभाविक तौर पर आज सभी व्यापारियों को हमने उसका जो किस तरीके से बनेगा, क्या ड्राइंग डिज़ाइन रहेगा, ये हमने सब व्यापारियों को बताया है। लगातार इनसे बार बार सब बैठकें हो रही है,
मगर अब 15 दिन तक इनको समय दिया गया है कि जो भी अब इनके मन में जो शंका सवाल है वो 15 दिन के अंदर कर लें, 15 दिन के अंदर फिर अब हम अपना काम चालू करेंगे, हमें जो काम को करना है, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो गया, बार बार बैठक है और बार बार ये भी हो रहा है कि नए नए टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो जो चीज़ मैं नहीं कर सकता वो भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो अब जैसे आज पार्किंग की बात आ गई, तो इस पार्किंग तो फिर मुझे पूरा बाजार को तोड़ना पड़ेगा, तो या तो फिर ये बोल देंगे परमिशन दे दें पूरा बाजार को तोड़ के बनाना है, तो मैं पूरा बाजार को तोड़ के बना दूंगा। तो कई सारी बातें हैं जो पॉसिबल नहीं है, मगर नए नए टाइप की बात आ रही है, जितनी बार बात हो रही है, इसलिए 15 तारीख तो काफ़ी समय दिया गया है। और हम चाहते भी हैं कि वो बाज़ार बहुत सुंदर बने, हम चाहते भी हैं कि वो बाज़ार की वास्तविकता भी पूरी बनी रहे, हम चाहते भी हैं कि वो बाज़ार इतिहासकारी बाज़ार है, उसके पीछे अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, तो हम चाहते हैं कि उसमें ज़रा सा भी वो ना हो, ज़रा सा भी कहीं उसके कोई मूल स्वरूप में कोई चेंज ना आए, बाज़ार भी सुंदर दिखे। और हम ये भी चाहते हैं कि एक मॉल नुमा टाइप का वहाँ पर वो बाज़ार बने, कि कल अगर इनकी पीढ़ी को बैठना है, कल अगर इनके बेटे को बैठना है, बेटे को बैठना है, तो वहाँ पर उसको बैठने की शर्म ना आए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी अच्छी जगह में बैठा हूँ। इस बात को मानना पड़ेगा व्यापारियों को कि वहाँ पर 11,500 रुपया रेट तो नहीं चल रहा है, ये सबको मानना पड़ेगा, कल ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और 30% वैसी भी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री रेट कम कर दिया, अगर उसकी भी बात करेंगे तो 15-16 हज़ार रुपया होता है, तो ऐसा नहीं है कि, और हमने बैंक की व्यवस्था करी है, व्यापारी सब जान रहा है, ये लोग व्यापार करते हैं तो ऐसा नहीं है बैठ के व्यापार करते, सब जान भी रहे हैं कि इस रेट का तो वहाँ है नहीं। तो और दूसरी चीज़, मालिक बनाने का काम कर रहे हैं, अभी तो ये किरायेदार हैं, भाई किरायेदार को अगर मालिक बनाया जा रहा है तो हर आदमी को स्वीकार करना चाहिए, भाई हमें किराया ना दें और बैंक से फाइनेंस लेके वहाँ उसको पटाते रहें, 2-3 साल में उनका फ्री हो जाएगा, मालिक बन जाएंगे। ये थे व्यापारी जो गोल बाज़ार में पिछले 100 से भी ज़्यादा सालों से वहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं, और वहाँ की मूलभूत जो आवश्यकता है वो इनसे ज़्यादा कोई भी परिचित नहीं होगा मेरे ख्याल से लगता है। और वहाँ पर जो मूलभूत समस्या आ रही है कि जो निम्न स्तर के जो व्यापारी, निम्न कहने का मतलब यह है कि जो बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट करके सुबह अपना काम किया और शाम तक उस पैसे से कुछ प्रॉफिट करके जो कमाते हैं, उनके लिए जो चार्जेस है वो इनके ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है। इसको लेकर ये महापौर से निवेदन भी किया, उन्हें इस चीज़ का मांग भी किए हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।